अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट में न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अनाउंस होने वाली वैकेंसीज़ ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 40 तक की वैकेंसीज़ हैं, जिसमें अप्लाई करने के हवाले से तमाम डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर अनाउंस होने वाली जॉब्स की वीडियोज़ के हवाले से आप लोग अपडेटेड रह सकें। मैं हूँ सैयद फरहान अहमद जैदी और आप लोग देख रहे हैं सोशल सर्कल। दोस्तों, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट पाकिस्तान की जानव से पब्लिश होने वाला एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सबसे पहले वैकेंसी है सुपरवाइजर एडमिन ग्रेड है, इसका BS 14 एक आसामी है। इस पर आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। रिटायर्ड JCO या NCO जो आर्मी से हो और 7 साल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो, वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। 20 से 35 साल अप्लाई करने की एज लिमिट है। नंबर 2 पर वैकेंसी है LDC ग्रेड है BS 11, टोटल 4 आसामियाँ हैं। मैट्रिक आपके पास तालीम होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 3 वीक का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स जिसके अंदर MS ऑफिस शामिल हो, NITB से होना लाजमी है। 18 से 25 साल तक के मर्द और खवातीन पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 में वैकेंसी है टेलीफोन ऑपरेटर की, ग्रेड है इसका BS 9, दो आसामियाँ हैं। इंटरमीडिएट आपके पास तालीम होनी चाहिए और 2 साल फील्ड के वाले से एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप रिटायर्ड NCO होने चाहिए पाकिस्तान आर्मी सिग्नल कॉर्प्स डिवीजन के, और आपके पास फील्ड के वाले से तजर्बा होना चाहिए। अगर आप सिविलियन बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 25 साल अप्लाई करने की एज लिमिट है। अगर आप रिटायर्ड NCO हैं तो आपकी एज लिमिट 30 से 40 साल है। नंबर 4 पर वैकेंसी है ड्राइवर की, ग्रेड है इसका BS 4, दो आसामियां हैं। प्राइमरी पास तालीम होना जरूरी है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ट्रैफिक कानून के वाले से आपके पास मालूम होनी जरूरी है। 18 से 30 साल अप्लाई करने की एज लिमिट है। नंबर 6 पर वैकेंसी है सैनिटरी वर्कर की, ग्रेड है इसका BS 1, 4 आसामियां हैं। पढ़े लिखे आप होने चाहिए, 18 से 25 साल अप्लाई करने की एज लिमिट है। नंबर 7 पर वैकेंसी है माली की, ग्रेड है इसका BS 1, 8 आसामियां हैं। पढ़े लिखे आप होने चाहिए, 18 से 25 साल के मर्द खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अनाउंस होने वाली वैकेंसी के अंदर आपको मजीद रियायत दी जाएगी, जो कि रजिस्ट्रेशन होती है, यानी कि जहाँ पे 30 लिखा हुआ है वहाँ पे 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे 25 लिखा हुआ है वहाँ पे 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा तालीम होगी, ज्यादा तजर्बा होगा तो आपको तरजीह दी जाएगी। टेस्ट इंटरव्यू का आपको कोई TA/DA नहीं दिया जाएगा, जो भी लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनको टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। मजीद मजहब कम्युनिटी और कास्ट के हवाले से जो भी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की होती है वो दी जाएगी। पहले से सरकारी मुलाजिम है तो आपको NOC लेकर अप्लाई करना होगा। बात कर लेते हैं अप्लाई आपने कैसे करना है। तो आपने एक डिटेल्ड CV जिसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ, एडवर्टाइजमेंट की क्लोजिंग डेट के हिसाब से आपकी डिग्री, आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट, आपके पासिंग ईयर्स, आपके ग्रेड्स, आपके डिवीजन परसेंटेज, डोमिसाइल एड्रेस, तमाम चीजें लिखी हुई लाजमी होनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो तमाम चीजें आपने लिखनी भी है, और साथ में इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स भी लगाने जो कि अटेस्टेड होने चाहिए। और एक अदर आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी और एक अदर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज तस्वीर जो कि आपने भेजनी है PO Box 1604 GPO इस्लामाबाद पे पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू। ये काम आपने 15 दिन के अंदर अंदर करना है। ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ था कल यानी कि 30 नवंबर को। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 दिसंबर 2023 है। जिस एनवेलप में आप अपनी एप्लीकेशन लिख के भेजेंगे उसके लेफ्ट साइड कॉर्नर पर आपने लाजमी लिखना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन लास्ट डेट के बाद आती है या इनकम्प्लीट होती है तो उसको रिसीव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कम्प्लीट वीडियो प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट पाकिस्तान में आने वाली जॉब्स के हवाले से। उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। कोई भी सवाल तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।